हाय एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट एंड हेल्थ। मैं सुमैया। तो अगर आपको ऐसी सब्जी बनानी है जो कि पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ अच्छी लगी और आपके बच्चों को भी अच्छी लगे, प्लस आप जब किसी के बर्थडे पार्टी में बनाएं तो भी बहुत टेस्टी लगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ लास्ट तक के जुड़े रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमको चाहिए 1 किलो भिंडी, और इसको हमने धुल करके काट लिया है, और हम कुछ भिंडी आपको काट करके दिखाएंगे इसको कैसे काटा जाता है। इसको सबसे पहले इसको हम एक साइड से ऐसे काटेंगे, फिर पलट करके ऐसे काटेंगे। अब हम गीला गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा के उसका फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। और तेल को गरम करेंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम इस बाउल में थोड़े से मसाले ले लेते हैं। हम 2 चम्मच हल्दी लेंगे, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, और आप अपने हिसाब से मिर्चा ले लीजिएगा। हमने इसमें 1/2 टीस्पून मिर्चा लिया है, और चिली पाउडर, और खटाई डालेंगे 1 चम्मच। इसमें डालेंगे पंचफोरन का पाउडर 2 चम्मच, तो जो कि हमने तवे पे रोस्ट करके और मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। अब इन मसालों को भिगोने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम लोग, तो मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है ये। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1.5 चम्मच पंचफोरन डालेंगे। अब हमारा पंचफोरन चटकने लगा है, और जो हमने मसाले भिगोए थे अब हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे, और केयरफुली कीजिएगा। और थोड़ा सा उसी बाउल में पानी मिक्स करके इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे जो नीचे के मसाले थे वो उसमें चले जाएं। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं नमक ऐड। फिर इसको थोड़ी देर तक के भूनेंगे। गाइस, ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी होती है। और प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज ट्राई करने के बाद भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। फिर हम पूरी भिंडी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे।
पूरी भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि भिंडी में अच्छे से टेस्ट आ जाए मसाले का। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक भिंडी सॉफ्ट नहीं हो जाती और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारी भिंडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। अब ये वाली भिंडी बना के खा लेंगे ना तो आप रेस्टोरेंट और ढाबे का खाना भूल ही जाएंगे। अब हमारी भिंडी की सब्जी बन करके पूरी तैयार है और इसको 13 मिनट लगे हैं बनने में और आप जब बनाइएगा तो बीच में खोल खोल के इसको पलटते रहिएगा ताकि हमारी भिंडी हर तरफ से अच्छे से पक जाए और सारा मसाला उसके साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए फिर अब हम इसको एक बाउल में सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है और प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसको अब सर्व करते हैं। तो अब हम इसको इस प्लेट में निकालेंगे। देखिए हमारी भिंडी कितना अच्छा लुक दे रही है। सो गाइस अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, अब मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पे भी जा कर के आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।